नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस स्टूडियो में। तो आज के इस एनालिसिस स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, जैसा कि हम लोगों को पता चला है, और ये बहुत ही बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो हम लोग जो है भी है आपको डिटेल में एनालिसिस करेंगे जो कब आने वाला है और हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप अपस्टॉक्स या जीरोधा में कहीं पे भी जो है अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप आईपीओ में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपको एलआईसी का कब आईपीओ आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक जो है यहाँ पे डेट आपको डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है आपको बहुत ही तेजी से काम कर रही है। बहुत ही इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, क्योंकि और अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो मिड मार्च तक जो है यहाँ पे आपको सोर्सेस से ये पता चल रहा है, जो मिड मार्च तक जो है आपको यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। गवर्नमेंट ने आपको एफडीआई में भी इसके लिए चेंज किया है, जिससे कि आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको यहाँ पे और ज्यादा निवेश कर सके, इनका वैल्यूएशन जो है आपको और बढ़ सके। इसीलिए एफडीआई में बहुत ज्यादा चेंजेज किए गए हैं इस आईपीओ को लेके। और ये सब चीजें जैसे भी कंप्लीट होती है तो इसके बाद जो है आपको ड्राफ्ट फाइल किया जाएगा, और फिर जो है आपको मिड मार्च तक जो है यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा एक आईपीओ दिख सकता है। मिड मार्च तक जो है आपको एलआईसी का आईपीओ यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि फरवरी में आपको बजट है और लास्ट बजट में ही गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किया था मार्च आपको एंड होने वाला है, मार्च में फाइनेंशियल एंड हो जाएगा। तो उससे पहले जो है आपको यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ दिख जाएगा, और इसके ऊपर जो है आपको बहुत जोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। अब अगर हम लोग एलआईसी के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसका आपको बिजनेस क्या क्या है। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए, जो एलआईसी इस देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है। पूरे स्टॉक मार्केट को आपको जो है अकेला वो संभाल के रखता है। अगर कभी भी गवर्नमेंट कुछ ज्यादा आपको बैड बैड न्यूज लाती है, या फिर कोई भी अगर ऐसा न्यूज रहता है जिस समय की गवर्नमेंट को लगता है जो मार्केट आपको ड्रास्टिकली फॉल हो सकता है, तो वहां पे एलआईसी बहुत ज्यादा परचेजिंग करती है। और ये सब चीजें आपको तब दिखेगी जब बजट का टाइम चलते रहता है, उस टाइम में आपको एलआईसी बहुत ज्यादा मार्केट को संभाल के रखती है। अगर आप एलआईसी के पास देखेंगे तो एलआईसी के पास आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, एलआईसी पेंशन फंड है, एलआईसी कार्ड्स है, और इन्होंने आईडीबीआई बैंक को भी जो है आपको एक्वायर किया था 2019 में। तो बहुत ही अच्छा जो है आपको बिजनेस स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा आपको जो है ये एक म्यूचुअल फंड है, और जो है घर घर में एलआईसी, इंडिया का बच्चा बच्चा आपको एलआईसी जानता है, तो घर घर तक इसकी पहुंच है। बहुत ही बड़ा आपको नेटवर्किंग है यहाँ पे। अगर देखेंगे तो द नेटवर्क ऑफ एलआईसी एजेंट्स इन द कंट्री इज ह्यूमंगस, आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो है एजेंट का जो है आपको एक जाल बिछा हुआ है। अगर 31 मार्च 2021 तक बात करेंगे तो अराउंड जो है आपको 13.53 लाख जो है आपको एजेंट थे। वहीं अगर और सभी आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो 20 प्राइवेट फर्म को मिला के आपको 11 लाख एजेंट है, जबकि अकेले एलआईसी के पास आपको 13.5 लाख से भी ज्यादा जो है आपको यहाँ पे एजेंट है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको नेटवर्क है। और आप लोग भी वेट कीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है बिल्कुल डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद ही जो है आप डायरेक्ट वहां से भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ में जो है आपको मल्टीपल लॉट में अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर होने वाला है। इसके ऊपर जो है पूरे देश का ध्यान है, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा जो है रस होने वाला है। तो इन सभी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको मल्टीपल लॉट्स में ही यहाँ पे जो है अप्लाई करना होगा। अभी इसके साथ अगर और भी कोई अपडेट आता है, अगर डेट आपको क्लियरफाई होता है तो फिर जो है उसके लिए भी आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहे, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़ता रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी मिल गई होगी एलआईसी के आईपीओ के रिगार्डिंग, और भी जैसे जैसे जानकारी क्लियर होंगी तो हम लोग जो है आपके सामने जानकारियाँ लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।